गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भिड़ंत के बाद भारत भर में चीन विरोधी सेंटिमेंट देखने मिल रहे हैं। चीनी सामानों के बॉयकॉट की बात हो रही है, लेकिन इस बीच में ये भी देखा जा रहा है कि जो इम्पोर्टर, जो आयातक चीन से माल मंगवा रहे हैं, उनके कंसाइनमेंट्स बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अटके हुए हैं। कस्टम अधिकारी उन्हें क्लियर नहीं कर रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत ने ऐसी कोई नीति फिलहाल नहीं बनाई है कि चीनी सामान का आयात रोकना है। मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के सारा सहारा मार्केट में हूं और मेरे साथ में मिस्टर जुझार हैं। ये चीन से सामान आयात करते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है ये चाइना से इंपोर्ट करते हैं और इनका कंसाइनमेंट भी अटका हुआ है। ये बताइए कि आपने कब ऑर्डर दिया था और आपके कंसाइनमेंट की स्थिति क्या है? ऑर्डर तो वैसे ऑलमोस्ट 3 महीने पहले दिया था, लॉकडाउन के पहले, लेकिन अब माल आके आया हुआ है, कंसाइनमेंट कस्टम में पड़ा हुआ है, लेकिन एजेंट लोग बोल रहे हैं कि अभी कैरिंग का भाव बढ़ गया है और माल गवर्नमेंट ने रोक मार दिया है, इसके लिए छूटेगा नहीं। अब इसके लिए रोक हो गई है तो माल आने की दिक्कत हो गई है और माल आ नहीं रहा है, आदमी को पगार देना है, भाड़ा देना है, तो इसके लिए बहुत तकलीफ हो गई है। ये बताइए कि अब एक तरह से लोगों में ये भावना भी देखी जा रही है और जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि मांग की जा रही है कि चीनी सामान का बॉयकॉट होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या भविष्य देखते हैं अपने इस कारोबार का? अरे मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ बेचूँ यहाँ मिल जावे, तो मेरे को ये मगजमारी बंद कर दूँ कि चाइना से मंगाऊँ नहीं, लेकिन यहाँ वो चीज़ मिलती नहीं है ना जो हम बेचते हैं, वो क्वालिटी और वो चीज़ यहाँ बनती नहीं है। हम चाहे अगर यहाँ बनना चालू हो जाए तो हम तो पहले मेक इन इंडिया पे ट्राई करें। अभी जो आप कह रहे हैं कि आपका कंसाइनमेंट अटका हुआ है, तो आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से तो ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई है, ना तो कस्टम विभाग की ओर से कोई ऐसा सर्कुलर इशू किया गया है कि चीन से आए हुए सामान को रोकना है, फिर क्या कारण बताया जा रहा है? ये जो एजेंट्स होते हैं बीच के, वो उनकी मगजमारी है, वो उनको पैसे ज़्यादा चाहिए, कैरिंग का भाव बढ़ा दिया है और उनके ज़्यादा करके उनके ही प्रॉब्लम्स है कि भाई ये अभी ये रोक उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने रोक मारी है, जबकि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कानून नहीं लाया कि इसमें रोक लगाई है, वो एजेंट्स की सब मगजमारी की वजह से रुक हुआ। सारा सहारा मार्केट में ही ये हैं मोहम्मद यूसुफ, जो कि बीते 12 सालों से चीन का इलेक्ट्रॉनिक के सामानों का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अब इन्हें माल नहीं मिल रहा है। ये बताइए कि क्यों आपको माल हासिल नहीं हो पा रहा है? माल कस्टम में क्या नाम है, अभी क्लियरिंग ही नहीं है, माल रुके हुए हैं, उधर से लोडिंग भी नहीं हो रही है। सब लोग बोलते हैं कि अभी क्या नाम है, ड्यूटी बढ़ जाएगी 15-20% ड्यूटी बढ़ेगी तो यहाँ रेट बढ़ जाएंगे, मार्केट यहाँ पहले ही डाउन है तो कौन खरीदेगा अभी माल, जब 5-6 महीने से ऐसे मार्केट की हालत है तो और रेट ऊपर बढ़ जाएंगे तो और मार्केट डाउन जाएगी आने वाले दिनों में। ये बताइए कि अभी जिस तरह से एंटी चाइना सेंटिमेंट देश में देखा जा रहा है, तो उसके मद्देनज़र आप अपने इस कारोबार का क्या भविष्य देखते हैं? इस कारोबार पर ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑप्शन नहीं है कुछ भी। ये सब जो चाइना से आइटम आते हैं, कि एंटी चाइना कंपेन चलाने से पहले हमें एक स्टैंड लेना चाहिए ना, कि हमारे पास हमें ये फैक्ट्री डालनी है, ये हमें स्टैंड करना है, चाइना के रेट में कंपेरिजन हमें सस्ता माल यहाँ बेचना है, चाइना का माल महंगा करके मतलब कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अगर ये है तो कि हमें अपनी फैक्ट्री डालनी है, हम चाइना का माल क्यों बेचेंगे अगर इंडियन माल हमें मिलेगा, तो हम इंडियन पहले माल बेचेंगे। चीन के कस्टम ब्रोकर्स के संगठन ने बाकायदा अपने सदस्यों को खत लिखकर ये इत्तला किया है कि कस्टम अधिकारियों को हवाई अड्डे पर और बंदरगाह पर मौजूद कस्टम अधिकारियों को एक तरह से एक अंदरूनी निर्देश दिया गया है कि चाइना से ओरिजिनेट होने वाले कंसाइनमेंट को होल्ड किया जाए, उनकी ज़्यादा जांच की जाए, और इस वजह से जिन जिन लोगों का माल चीन से आना है उस माल को हासिल करने में देरी हो सकती है। हालांकि इस खत में ये भी जानकारी दी गई है कि अब तक आधिकारिक सूचना इस बारे में उन्हें नहीं दी गई। इस सिलसिले में हमने जब कस्टम विभाग से संपर्क किया तो आधिकारिक तौर पर तो कस्टम विभाग की तरफ से या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों ने अनऑफिशियल तौर पर हमें जानकारी दी कि
चीन से आए हुए कंसाइनमेंट की ज्यादा जांच की जा रही है और इसकी वजह से समय लग रहा है उन्हें क्लियर करने में। इसके अलावा दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि कोविड के चलते इस वक्त स्टाफ की संख्या काफ़ी कम है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कम है, इसलिए ना केवल चीन बल्कि दूसरे देशों से आने वाले माल का क्लियरेंस भी देरी से हो रहा है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, ABP News, मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे।